हाय और दिस इज हमारे सन अगेन हम मैथमेटिक की क्लासेस को व्यूज पढ़ रहे हैं और लास्ट एपिसोड में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया था और हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम जहां पहुंचे थे वो था कि अगर हमने कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये हमने देखा था कि ये हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला था और इसके दो रूट्स थे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। व्यूअर्स, आज हम ये देखेंगे कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि अपरेंटली क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ऐसी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिजेंबल तो कर रही होती हैं लेकिन अपरेंटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती और उनको हल करने हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टेक्निक जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो और उसके अलावा उसका कोई मेथड नहीं हो सकता क्योंकि अगर हमने किसी चीज़ को रिड्यूस करना है तो हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अगर एक ये जो हमारी व्यूअर्स स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो डिग्री है टू की, ये आपकी बी टर्म के साथ जो वेरिएबल है उसके ऊपर डिग्री है वन। इसका मतलब है कि ये डिग्री इससे डबल है, यानी कि ये डिग्री इससे डबल है। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारी लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म जिसके ऊपर वन होता है उसको हम लीनियर टर्म कहते हैं, ये इससे आधी है या ये टर्म हमारी जो है वो लीनियर टर्म से ट्वाइस है। ओके, अब इसी मेथड को देखते हुए, इसी बात को जहन में रखते हुए हम कुछ ऐसी इक्वेशंस जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं और यही की है देखने की कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है कि नहीं। वो जो लीनियर टर्म है वो भी यहाँ पर डबल है। गोया अगर इस फॉर्म को देखते हुए हम देखें कि टू का ट्वाइस क्या है, एक्स के ऊपर फोर पड़ा है, या इसका आधा क्या है, लीनियर टर्म के ऊपर इसकी पावर पड़ी है, तो इट मीन्स ये हमें बता सकती है कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न वही है, टू और वन का पैटर्न है, यानी कि ट्वाइस है, लीनियर टर्म इससे आधी है। तो ये जो लीनियर, जो अब तो लीनियर टर्म नहीं है, अब ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तो अगर आप ये देखें तो ये इससे आधी है या ये फोर इससे डबल है, तो पैटर्न बेसिकली 2:1 का ही निकल रहा है। ओके, डबल का ही, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जाहिर बात है कि अगर मुझे इस फॉर्म में करना है, ए यहाँ पर एग्जैक्टली वेरिएबल 1 है, तो हम पहले क्या करते हैं कि एक्स के ऊपर स्क्वायर डाल लेते हैं ताकि ये फॉर्म रहे मेरी, और 7x स्क्वायर के ऊपर 1 डाल लेते हैं, -13, 0। अब इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं। अगर आप ये देखें इस फॉर्म में अगर बनाना चाह रहा हूँ तो इधर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 × 2 जो कि हमने पावर लॉ पढ़ा हुआ है, पावर इनटू पावर, तो 2×4 x^4 बिल्कुल करेक्ट है। और ये ए एक्स स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ पर मैंने बना ली, ए मेरा यहाँ पर अब इस ब्रैकेट के अंदर है, सो ये मेरा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो डेफिनेटली ये मेरी 1 होती है तो मैंने इसके ऊपर 1 रखूँगा क्योंकि 2 × 1 = 2, तो लिहाजा ये मेरा बी की टर्म आ गई और -13 = 0। तो लिहाजा अगर हम देखें तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लिया। तो डेफिनेटली अब मुझे अगर हल करना है तो मैं बड़े आराम से इस जो अंदर ब्रैकेट के है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ q = x², अब मेरी फॉर्म आसान हो जाएगी क्योंकि अब इसको मैंने 1 पर रिड्यूस कर लिया है, इस 2 को 1 पर रिड्यूस कर लिया। तो इसमें अगर मैं पुट करूँगा q x² + 7q - 13 = 2, तो व्यूअर्स अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, ये मेरे आ गई। अब अगर मैं इसको q² + 7q - 13 को सॉल्व कर लूँ तो मेरी q की दो रूट्स आ जाएंगे और जब वो आ जाएंगे तो मैं q जो मैंने पहले ही लेट किया हुआ था q² = x, तो वापस हम उसे x की फॉर्म में ले आएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि दिस इज अगेन डबल टू दिस, किस तरह कि 1/3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 1/6 आएगा, लिहाजा ये डबल है इससे। तो सिंपली अगर मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है तो पहले मैं ब्रैकेट के ऊपर
स्क्वायर लिख लूँगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब टू तो वैसे मैंने अगर टू के ऊपर इशू उठेगा, मैं एक्स के ऊपर 1/6 करूँगा तो मेरा बेसिकली 1/3 आ जाएगा, तो लिहाजा ये इसके बराबर आ गई। अगला मेरी लीनियर टर्म है, मुझे उसका कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा चूँकि ये ऑलरेडी से डबल हो गया, लेकिन इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब अगेन इसको हल करना आसान नहीं, तो हम 1/6 को एक्स 1/6 को क्यू के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट जब हमने कर लिया तो इसके बराबर अब आप सिंपली इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं, 2q का स्क्वायर प्लस 5q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन इसको इजीली आप जो हैं हल कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यू के लिए, फिर जो क्यू की वैल्यू निकले उसमें आप दोबारा एक्स की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसको आप क्वाड्रेटिक अपना फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं। ये जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 चाहिए, और जब मैं इनको प्लस माइनस करूँ तो 5 चाहिए। एग्जैक्टली ये टर्म आती है, मेरा यहाँ पर q कॉमन है तो 2q प्लस 3 एक आ गया, प्लस 1 कॉमन है 2q प्लस 3 एक आ गया 0, तो ये मेरे पास आ गया 2q प्लस 3 और q प्लस 1। ये मेरे q के दो रूट्स निकल रहे हैं, चूँकि ये इक्वल टू 0 है, implies that कि 2q प्लस 3 एक इसके बराबर हो गया कॉमा, और q प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरी दूसरा रूट क्यू का निकल सकता है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2q इज इक्वल टू माइनस 3 और q आ गया मेरा माइनस 3 बाई 2 के, जब इस पर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपल q इज इक्वल टू माइनस। अब अगर आप देखें q की हमने दो रूट्स निकाल ली हैं, अब अगेन हमने q को लेट किया था एक्स बाई 1/6 के बराबर, तो इट मीन्स कि इस जगह में आप लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट अगेन द वैल्यू ऑफ क्यू, तो एक्स 1/6 इज इक्वल टू माइनस 3/2, और क्यू जो है मेरा एक्स 1/6 इज इक्वल टू माइनस 3/2 फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक्स को की वैल्यू निकाले तो 6 को दोनों तरफ आप जो है मल्टीप्लाई कर दें, यानी पावर्स के साथ दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो ये 6 से कैंसिल हो गया, एक्स क्लियर हो गया, माइनस 3/2 की 6 वैल्यू निकल आई, और एक्स इक्वल टू ये भी एक्स रह गया, और माइनस 3/2 इंटू 6। तो अब आप इनकी कैलकुलेटर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, चूँकि 3 के ऊपर 6 है, यानी 3 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 2 भी जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उनमें से जो कटता होगा आप काट सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप करेंगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट मेथड से इक्वेशंस को, जो हमारी क्वाड्रेटिक होती तो मतलब कि वो रिजेंबल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे थे, कि अपेरेंटली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती, तो उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल के दोबारा फिर हम एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं, और इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप देखें इक्वेशन ये फॉर्म में भी हो, 5/x² प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, तो अगेन आप देखेंगे कि चाहे नीचे ही ये 4 से डबल आते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं लेट के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के पॉइंट से पहले स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो सारी बात है मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर जो होगा मेरे पास वो 4 आ जाएगा, तो लिहाजा ये मेरी फॉर्म यहाँ पे करेक्ट होगी। अगले में इशू नहीं है चूँकि वो ऑलरेडी इसका डबल है, लीनियर फॉर्म में इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगेन लेट कर लेंगे क्योंकि ये आसान होता है। अब आपने इसको 1/x² इज इक्वल टू क्यू, अब इसका मतलब कि क्यू का स्क्वायर आ गया माइनस 5, क्यू आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया, जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/x² क्यू है, क्यू आ गया ऊपर स्क्वायर है, माइनस 5 1/x² मेरा गेन क्यू है, क्यू आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको क्यू के लिए हल कर लेंगे, जब क्यू की वैल्यूज निकल आएंगी तो उसके बाद हम इसको दोबारा एक्स के लिए जो हमने लेट किया उसकी वैल्यूज को पुट करके एक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे दो रूट्स आ जाएंगे। ऐसी फॉर्म आती है, आपको कहा जाता है एक्स प्लस 4 प्लस पोज 5 एक्स प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन अगर आप देखें ये स्क्वायर है और उसके बाद 1 है, ये इसका डबल है, तो लिहाजा आप अगेन समझ जाएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत आसान है। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में हुई हुई है, आपने सिर्फ अब लेट करना है क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दैट इज़ ऑल। तो क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस, चूँकि इस पर हमें स्क्वायर लाने की ज़रूरत
नहीं पेश आ रहे जो कि ऑलरेडी ये स्क्वायर की फॉर्म में पड़े हैं और आगे वन की फॉर्म में। फोर होता तो फिर हमें उसको तोड़ना पड़ता, इसलिए इसको ऑलरेडी आप यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं और ये आ गया। और इसको अब क्यू के लिए हल कर लें। जब आप इसको क्यू के लिए हल कर लेंगे तो उसके बाद आप दोबारा क्यू में एक्स प्लस फोर रख के एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत आसान ये इक्वेशन है। उसके बाद एक हमारी इक्वेशन इस तरह होती हैं जो कि इस फॉर्म में आती है। गोया ये चार एक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन होगी हमारी इक्वल टू के। वेयर ये होता है कि ए प्लस बी ओ बराबर होता है सी प्लस टी के, ये इस इक्वेशन की जो है वो कंडीशन होती है। ओके इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, इसको हमने कैसे करना है। एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन सिक्स एट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यूज इसका हल करने का तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट एक ब्रैकेट को दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरी को चौथी से कर देते हैं, तो क्या होगा कि जब आप फैक्टरिंग में पहुंचेंगे या आप ने लाइक टर्म्स वगैरह को इकट्ठा करना होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व, चूँकि एक्स की फोर टर्म्स आ जाएगी, जब आपकी आपको एक ऐसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके आराम से फैक्टर जो हैं वो बन सकें। और उसका तरीका ये होता है कि आप यूँ चेक करें इसको, जब पहले इससे चेक करते हैं तो आप लीनियर टर्म को चेक करेंगे जिसके ऊपर वन वैल्यू होती है एक्स की, यानी कि इसका मतलब माइनस सेवन एक्स आ गया और ये जब मैं एक्स वाला इसके साथ करूँगा माइनस थ्री एक्स आ गया, तो ये बनते हैं माइनस टेन एक्स। और इधर देखते हैं अगर हम इस साइड पे अगर ये दो मिलाते हैं और ये दो मिलाते हैं तो x वाली टर्म कौन सी बनेगी, 5x और 1x, ये बनेगा 6x, ये मेरा मसला हल नहीं कर रहे। अच्छा अगर मैं x को इससे इसके साथ मिलाता हूँ तो माइनस सेवन एक्स एक आएगा और एक मेरा आएगा प्लस x, ये मेरा माइनस सिक्स एक्स बना। अच्छा अब इसको इससे मिला के देखता हूँ तो मेरा क्या आएगा, एक आएगा 5x और एक मेरा माइनस 3x, तो ये भी मेरा मसला हल नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अब मैं इसको इससे तीसरे से मिला के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ तो ये आएगा माइनस 7x आ जाएगा और एक आ जाएगा x दैट इज़ माइनस 6x, और ये अब इसके साथ जब होगी तो माइनस 3x आएगा और उसके अलावा x की कौन सी टर्म आएगी, माइनस 3x और x की दूसरी आएगी मेरे पास 5x, तो ये अगेन मेरे पास 2x आ रहा है ये दो टर्म, लिहाजा ये इससे भी नहीं हो सकती, ये इससे भी नहीं हो सकती, लिहाजा अब आखिरी टर्म रह गई है। इसमें अगर हम देखते हैं तो x की कौन कौन सी टर्म आती है, एक मेरी बनेगी माइनस सेवन एक्स और एक मेरी बनेगी 5x, ये आ जाएगा मेरा माइनस 2x। अब इसको इससे मिला के देखते हैं तो एक मेरी आ जाएगी माइनस 3x की टर्म और एक मेरी आ जाएगी x की टर्म, ये माइनस 2x आ गया, लिहाजा ये दोनों आपस में ये मिलेंगी और ये इसके साथ मिलेगी, तो इस तरह हमारे फैक्टर्स फिर ये बराबर आएंगे। ये आपको थोड़ा सा चेक करना है। वैसे जब आप कुछ अरसा ये क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लिहाजा एक्स माइनस सेवन और एक्स प्लस फाइव को मैं मिलाऊंगा और ये मैं कर दूंगा और इस साइड पे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन मिलाऊंगा और इसके साथ इसको जब मैं हल करूंगा डिस्ट्रीब्यूट के एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस इज प्लस फाइव एक्स, फिर माइनस प्लस इज माइनस सेवन इंटू एक्स इज सेवन एक्स, माइनस प्लस इज माइनस सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव, ये इस तरह आ गया। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वन इज एक्स, माइनस थ्री इंटू एक्स इज माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री और ये माइनस वन सिक्स एट ज़ीरो आ गया। तो इस तरह हमने ये कर लिया, तो ये मेरे पास निकलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थर्टी फाइव एक और एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। नाउ अगर आप गौर करें, एक तरीका तो यह कि आप दोनों को बारी बारी हल कर लें, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप बारी बारी हल कर लें, दो रूट इस इक्वेशन के निकल आएंगे, दो रूट इस इक्वेशन के निकल आएंगे। लेकिन इसको थोड़ा आसान करने के लिए अगर आप गौर करें, ये और ये एक जैसे हैं, तो जहाँ भी आप किसी इक्वेशन को आसान कर सकते हो ताकि इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना करनी पड़े तो आप कर लें। तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स को क्यू के बराबर रख दूँ
तो ये इक्वेशन मेरी क्यू माइनस 35 हो जाएगी और ये इक्वेशन मेरी क्यू माइनस 3 हो जाएगी, माइनस 1680 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्यू स्क्वेयर निकल आएगा, तो इधर से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये निकला है क्यू स्क्वेयर माइनस 3Q माइनस 35Q और माइनस माइनस प्लस 105 माइनस 1680 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच रही है, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 32Q प्लस 105 माइनस 1680 इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, ये माइनस 38 है जो कि प्लस होंगे, माइनस 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 30। तो ये मेरा 105 माइनस 1680 1575, साइन बड़े का आ जाएगा, माइनस 1575। अब इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर सकते हैं। क्यू के लिए फाइंड करेंगे माइनस फार्मूले का, फिर माइनस बी प्लस माइनस बी फिर फार्मूले का, तो माइनस 38 का स्क्वायर फिर माइनस फार्मूले का, और आप ब्रैकेट डालें 4 इंटू ए इज 1 इंटू माइनस 1575, 2 इंटू 1 इज दिस। जब आप इसको हल करेंगे तो क्यू की आपके पास बेसिकली एक ये निकल आएगा और एक वैल्यू निकल आएगी आपके पास माइनस के साथ। तो ये मेरा आ गया दैट इज 63 और ये मेरा आ गया माइनस 50/2 एंड दैट इज माइनस 25। अब नो क्यू की दो वैल्यूज आ गई। अब क्यू हमने किसके बराबर रखा था उसको अगेन पुट करेंगे आप, और वो था एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 63 और क्यू यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 25। तो इसको उस साइड पे ले आए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 63 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और इस साइड पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। नाउ इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन से हल कर लें। ये तो आपके डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हल होगा चूँकि इसके फैक्टर्स नहीं नज़र आ रहे, अलबत्ता ये आपका हो सकता है, ये 7, 9 के फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे तो इसका मतलब कि एक्स के इसके भी दो रूट्स निकल आएंगे और यहाँ भी एक्स के दो रूट्स निकल आएंगे, तो ये 4 रूट्स इसके निकल आएंगे। फिर अगले लेसन में हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स आते हैं या एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशंस होती हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।